नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी। इंडिया लाइफ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते नजर अभी के हेडलाइंस पर। मुंबई की मोनोरेल, आमदनी आटेने खर्चा रुपया, एटीएम से निकले खराब नोट, बैंक ने किया खुद का बचाव। मुंबई की रोमांचक जीत, केकेआर को 5 रनों से हराया। मुंबई मोनोरेल ने बढ़ाए सरकार के खर्चे। मुंबई की मोनोरेल, आमदनी आटेने खर्चा रुपया, मोनोरेल का सफेद हाथी योजना सरकार की तिजोरी खाली कर रहा है। इसे चलाने वाले ऑपरेटर्स, बिजली और रखरख वाले का खर्चा अलग ही है, पर इसकी सुरक्षा के नाम पर हर महीने लगभग 76 लाख रुपए महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को अदा किए जा रहे हैं। यह रकम ही हर महीने भर की कुल कमाई की रकम से दुगना है। टिकटों से जितनी कमाई नहीं होती, उससे डबल पैसे उसकी सुरक्षा में लग रहे हैं। एक आध महीने छोड़ दिए जाए तो फरवरी 2014 में महीने भर की कमाई की औसत यही रहा है। गाड़ियां चलाने वाले का वेतन, बिजली का खर्चा, रख रखवाला, साफ सफाई आदि का खर्चा अलग है। केवल सुरक्षा पर होने वाले खर्चे आँख खोल देता है। एटीएम से निकले फटे हुए नोट। एटीएम से निकले खराब नोट, बैंक ने किया खुद का बचाव। एटीएम से रुपए निकालने वालों को आमतौर पर नए नोट मिलते हैं, लेकिन थाने स्थित एटीएम से 1000 रुपए के कटे फटे चिपके हुए और खराब नोट निकलने का मामला सामने आया है। इन खराब नोटों का मामला आम ग्राहकों के गले मरे जाने की बात से तमाम ग्राहकों में नाराजगी है। वही समस्या यह भी है कि इसकी शिकायत करे तो भी किससे। डोम्बिवली निवासी रेलवे के कार्यकर्ता आरजे सिंह किसी जरूरी काम के लिए 12000 रुपए निकाले थे। उन्होंने थाने स्टेशन के करीब स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से गुरुवार को शाम 7 बजे करीब कैश निकाले तो उन्हें 1000 रुपए के 4 नोट खराब मिले। इसमें से एक नोट का फटा हुआ, एक नोट चिपका जुड़ा और 2 नोट का कुछ हिस्सा गायब मिला। आम आदमी पार्टी पर था कमीशन का दबाव। कमीशन ने आपके लोगों को रखा था दबाव। डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव और आईएएस अधिकारी आशीष जोशी ने संसद मार्ग थाने में दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र करने का शिकायत दर्ज कराई है। जोशी का कहना है कि उन्होंने कभी भी कार्यस्थल पर अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने वाली बात नहीं की है। किसी सचिव पद से हटने के लिए दिल्ली सरकार के पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए गुटखा व पान जैसे बातों को कारण बताया। मुंबई इंडियंस ने दर्ज की रोमांचक जीत। मुंबई की रोमांचक जीत, केकेआर को 5 रनों से हराया। आईपीएल 8 के बेहद दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की दमदार 61 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 71 रन बनाए। कोलकाता को जीतने के लिए 172 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन अंतिम गेंद तक गए इस रोमांचक मैच में मुंबई ने 5 रन से जीत हासिल कर ली। कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट नुकसान पर 166 रन ही बना सकी। चीन में भी रिलीज होने जा रही है पीके। में रिलीज होगी पीके, प्रीमियर में पहुंचे अमीर। अमीर की सुपरहिट फिल्म पीके अब चीन में भी रिलीज होने जा रही है। गुरुवार को चीन में फिल्म के प्रीमियर रखा गया, जिसमें खुद आमिर खान, फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी और फिल्म के निर्माता धु विनोद चोपड़ा शामिल हुए। बीजिंग के शंघाई आर्ट गैलरी में रखा गया था, जहां राजकुमार हिरानी और धु विनोद चोपड़ा ने फैंस से बात की। प्रियंका तिवारी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं, www.indialifenews.in पे। नमस्ते।